चलिए आज हम लोग कुछ और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे y इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस थ्री। देखिए आप इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसकी डोमेन फाइंड कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो डोमेन है वो ऑड ईवन नंबर है। डिनोमिनेटर में भी आप x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि ये किसी भी x की किसी भी वैल्यू पर ये जीरो नहीं होने वाला है। न्यूमरेटर में आप x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों ही पॉलीनोमियल्स हैं तो डोमेन ऑड ईवन नंबर हो गई। उसके बाद हम लोग इस y की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, उस पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जहां पर y की वैल्यू जीरो पर। देखो जरा, जब हम लोग x को जीरो रखेंगे पुट x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो पुट की गई, ये वैल्यू वन हो गई, ये वैल्यू थ्री हो गई, यहां पर हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन बाई थ्री। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कामा वन अपॉन थ्री। हम लोग जब x की वैल्यू इंफिनिटी को लेंगे तो आप इसकी लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस थ्री। अल्जेब्रिक लिमिट का यूज किया गया तो देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो। तो जब x की वैल्यू इंफिनिटी टेंड करेगी तो y की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी। माइनस इंफिनिटी में देखो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस थ्री। यहां भी आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में x की पावर ज्यादा है तो ये वैल्यू भी जीरो होगी। और अगर आप चेक करना चाहो कि y की वैल्यू जीरो जब होगी तो उस समय x की वैल्यू क्या है, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग y को जीरो पुट करते हैं, y को जीरो पुट करोगे यहां पर तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन। माइनस वन कॉमा जीरो से भी ग्राफ पास करेगा। इसके बाद आप लोग ये फाइंड करिए कि इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम। उसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप dy by dx फाइंड करेंगे, dy by dx को जीरो पुट करके आप लोग उसके क्रिटिकल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम फाइंड कर लेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, dy by dx हम लोग सॉल्व करें तो dy by dx इक्वल टू देखो x स्क्वायर प्लस थ्री को ऐसे ही लिख लिया गया, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस x प्लस वन को ऐसे लिख लिया गया और x स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए तो देखोगे क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, इसको माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स ये प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसके देख सकते हो फैक्टर हो जा रहे हैं, क्या फैक्टर हो जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल स्क्वायर। इस डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हो, dy by dx का साइन पता करके आप ये पता कर सकते हो कि कहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है कहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो चलो पहले इंटरवल ऑफ इंक्रीज या इंटरवल ऑफ डिक्रीज फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको प्लॉट कर लें, इसके लिए इनइक्वालिटी का यूज करें, प्लॉट नहीं करें इनइक्वालिटी का यूज करें। तो देख सकते हो इसमें एक पॉइंट हो जाएगा माइनस थ्री और एक पॉइंट हो जाएगा वन, लेकिन यहां पर बाहर माइनस साइन यूज हुआ है तो इस बार ग्राफ जो होगा वो प्लस से ना स्टार्ट होकर माइनस से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके।
यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री तक dy बाई डी एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस थ्री से लेके वन तक dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा, और 1 से लेके इंफिनिटी तक फिर नेगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो जब आप x का इंटरवल लोगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, तो इस इंटरवल में ग्राफ को डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग। जब आप x का इंटरवल लोगे माइनस 3 टू 1, तो इस इंटरवल में इस ग्राफ को इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग। अब आप लोग अगर आप ये चेक करना चाहें कि यहां पर किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, तो वो भी देखो बिल्कुल क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जब आप dy by dx को जीरो करोगे तो x की दो वैल्यू जाएंगी, यहां पर देखो लिख नहीं रहे, ध्यान देना, जब dy by dx को जीरो करोगे तो दो वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू x equal to minus 3 और एक वैल्यू x equal to 1। आप dy by dx का साइन चेंज देखो, माइनस 3 पर माइनस से प्लस हुआ, इसका मतलब यहां पर लोकल मिनिमा, 1 पर प्लस से माइनस हुआ, इसका मतलब यहां पर लोकल मैक्सिमम। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। आप माइनस 3 और 1 पर वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जब इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा आ रहा है तो हमें उसकी वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो माइनस 3 पर जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वाई ऑफ माइनस 3, तो जरा इसको माइनस 3 पुट करो, तो माइनस 3 पुट करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2, और यहां पर पुट करोगे तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 बाई 12 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 6। फिर आप लोग 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करिए, y1 1 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहां पे x को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, यहां पे पुट करोगे 1 प्लस 3 4, 2 बाई 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन। अब देखो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखना आपने x equal to 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की है, x equal to 0 पर वैल्यू 1 by 3 है, यानी ग्राफ 1 by 3 यहां पर होगा 0 पर, 1 पर इसकी वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी, x equal to 1 पर इसकी वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी, 0 पर 1 by 3 ये पॉइंट 1 हो गया, 1 पर वैल्यू 1 by 2। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि 1 पर आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इसका वैल्यू घटनी है, और आप यहां पर ये भी देख चुके हो कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी टेंड करती है तो y की वैल्यू 0 टेंड करती है, यानी कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, x की वैल्यू जब इंफिनिटी को टेंड करेगी तो y को 0 को टेंड करना है, तो यहां से ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे करके इंफिनिटी पर ये 0 को टेंड करेगा। फिर आप देखिएगा x y की वैल्यू 0 कहां पे है, माइनस 1 पे, माइनस 1 पर आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आप देखिएगा माइनस 3 पर, माइनस 3 पर आपने वैल्यू कैलकुलेट की है माइनस 1 बाई 6, माइनस 3 पर वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 1 बाई 6, यहां पे लोकल मिनिमा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब माइनस इंफिनिटी x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी को टेंड करती है तो y की वैल्यू फिर से 0 को टेंड करती है, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पॉइंट माइनस 1 है, फिर माइनस 3 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 बाई 6, यहां पे माइनस 1 बाई 6, और फिर ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी पे 0 को, यानी कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ये पॉइंट आप मार्क करना चाहेंगे तो माइनस 3 है, माइनस 3 पर आपने वैल्यू कैलकुलेट किया माइनस 1 बाई 6, ये वैल्यू माइनस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये पॉइंट 1 था, 1 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 अपॉन 2। तो देख सकते हो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो गया। अगर आप इसकी रेंज देखना चाहेंगे तो देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 6, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, तो इसकी जो रेंज होगी हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 6 टू 1 अपॉन 2, ये इसकी रेंज होगी, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखिए। नेक्स्ट ग्राफ में ले रहे हैं y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x। देखो हम लोग पहले इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो इसको हम लिखेंगे y जीरो। y जीरो का मतलब है x को जीरो रखना। तो जब आप y जीरो कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तब x इक्वल टू जीरो पुट करने पर y की वैल्यू टू मिल रही है। इसके बाद हम लोग जब x की वैल्यू इंफिनिटी टेंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर x प्लस e पावर माइनस x। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर बेस 1 से बड़ा है, पावर में माइनस इंफिनिटी हो, तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी ये वैल्यू तो जीरो को टेंड करेगी। लेकिन ये वाली वैल्यू अगर बेस 1 से बड़ा है और पावर इंफिनिटी हो जाए, तो वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है। तो ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी और ये वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, तो ओवरऑल वैल्यू कहां पर टेंड करेगी, इंफिनिटी को। सिमिलरली हम अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, तो उस केस में आप देखिएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x की वैल्यू। तो जब आप यहां पे माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो को टेंड कर जाएगी, और ये वाली वैल्यू कहां को टेंड करेगी, इंफिनिटी को। ये जीरो को टेंड करेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू कहां को टेंड करेगी, इंफिनिटी को। तो ओवरऑल वैल्यू कहां को टेंड करेगी, इंफिनिटी को। अब आप जो है एक चीज यहां पर और देखिए, हम लोग अगर इस रिलेशन में x को माइनस x से रिप्लेस करें, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू e पावर माइनस x प्लस e पावर x। तो आप देख रहे हैं नो चेंज। और आपको याद होगा कि अगर x को माइनस x से रिप्लेस किया जाए और कोई चेंज ना मिले, तो वो ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो इसको केवल और केवल हम लोग x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट कर लें, उसके बाद हम लोग y एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन। चलो भाई अब इसके बाद आप dy / dx की हेल्प लीजिए, जिससे हमको मैक्सिमम और मिनिमम मालूम हो जाए। तो dy / dx जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग dy / dx को जीरो कर दिए, dy / dx इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमको मिलेगा e पावर x इक्वल टू e पावर माइनस x। तो यहां सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। आप अगर इसमें चेक करोगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इसके लिए d2y / dx स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। d2y / dx स्क्वायर सॉल्व करोगे तो मिलेगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x। यहां पर अगर हम x को जीरो पुट करेंगे तो d2y / dx स्क्वायर एट x इक्वल टू जीरो, जीरो पे पुट करके देखो कि वैल्यू क्या आती है, टू आएगी एट x इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आएगी, यानी पॉजिटिव आ रही। तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, लोकल मिनिमा। x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो कि आप देख लो कि x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू कितनी है, टू है। तो देखो एक ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आप चाहें तो इंटरवल आप इंक्रीज भी चेक कर लीजिए कि जीरो के राइट पे ये ग्राफ कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ई पावर एक्स ग्रेटर देन ई पावर माइनस एक्स। तो यहां से मिल रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जीरो पर जो मिनिमम वैल्यू है कितनी है, आपने कैलकुलेट किया है जीरो पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, टू।
जब ये मिनिमम वैल्यू ले लेगा तो उसके बाद ये लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, और आप देख रहे हो कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो y की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो x = 0 पर ये मिनिमम वैल्यू 2 लेगा, 0.2, उसके बाद ये लगातार ग्राफ इंक्रीज करता चला जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया x greater than 0 के लिए। लेकिन जैसा कि मालूम है कि ये ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसा ग्राफ इधर प्लॉट होगा एग्जैक्टली सेम ग्राफ इधर भी प्लॉट हो जाएगा। तो आप y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका y = e पावर x + e पावर - x। इस तरीके से आप e पावर x + e पावर - x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ y equal to e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x। जैसे हम लोग e पावर x प्लस e पावर x का ग्राफ प्लॉट किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी प्लॉट करेंगे। सबसे पहला काम x equal to 0 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। y 0 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x को 0 रखिएगा तो 0 मिल जाएगी। उसके बाद आप लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, लिमिट कहां पे इंफिनिटी पे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x। तो जैसा कि मालूम है कि जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी, और ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो ओवरऑल वैल्यू कहां को टेंड करेगी, इंफिनिटी को। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x। तो देख सकते हो कि ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी और ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी, तो ओवरऑल वैल्यू कहां को टेंड कर रही है, माइनस इंफिनिटी। ये तो 0 हो गया और ये इंफिनिटी हो गई, तो वैल्यू कहां को टेंड कर रही है, माइनस इंफिनिटी को। यहां पर आप देखिएगा कि अगर हम इसको fx ले लें e पावर x माइनस e पावर माइनस x को, और f ऑफ माइनस x कैलकुलेट किया जाए, तो ये आएगा e पावर माइनस x माइनस ऑफ e पावर x। तो देख सकते हो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस fx। तो जब f ऑफ माइनस x माइनस fx के इक्वल आता है, तो आपको याद होगा कि इसमें मैंने बताया था कि ये ग्राफ भी सिमेट्रिकल होता है, लेकिन किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो हम लोग इसको ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ओरिजिन के अबाउट क्या ले लेंगे, सिमेट्री। हम लोग पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सिमेट्री। आप देखिए जरा x ग्रेटर देन 0 की राइट में, मतलब x इक्वल टू 0 के राइट में ग्राफ का नेचर किस टाइप से आ रहा है। तो उससे पहले dy / dx सॉल्व करेंगे। dy / dx आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा e पावर x + ऑफ e पावर - x। जैसा यहां आप देख सकते हो dy / dx की वैल्यू यहां पर 0 हो ही नहीं सकती, dy / dx नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो नॉट इक्वल टू 0, नो एक्सट्रीमम, इसमें एक्सट्रीमम नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि dy / dx ऑलवेज पॉजिटिव है, dy / dx इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है जिसका मतलब ये ग्राफ का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो हम लोग 0 के राइट में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें कोई भी एक्सट्रीमम नहीं दिखेगा, ये ग्राफ कंटिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसा। इसके बाद जिस तरीके से इधर इंक्रीज करेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से इधर की तरफ ग्राफ होगा वो डिक्रीज करेगा। ये ग्राफ हो जाएगा आपका e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x। एक चीज और, जैसे हमने यहां पर इसको हमने कॉनकेव अपवर्ड ड्रॉ कर दिया, हमको तो ऐसा मालूम नहीं कि कॉनकेव अपवर्ड होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, तो आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे प्लॉट हुआ। तो उसके लिए आप लोग d2y / dx square सॉल्व करेंगे, d2y / dx square
इक्वल टू मिलेगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब पॉजिटिव होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो देख लेते कब होगा, तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए आप देख रहे हो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। देख सकते हो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव अपवर्ड। तो जो रिमेनिंग इंटरवल कौन सा रह गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में इसका मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या मिलना चाहिए, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो देख सकते हो यहां पर ये ग्राफ आपको क्या मिल रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे आप x को पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, तो दोनों ही केस में आपको ग्राफ क्या मिलना है, इंक्रीजिंग। तो आप देख रहे हो कि इस इंटरवल में भी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। लेस देन जीरो के लिए भी ग्राफ क्या मिल रहा है आपको, इंक्रीजिंग। और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ग्राफ आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग। लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड, और x less than 0 के लिए negative है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y equal to e power x minus e power minus x। y equal to 2 sin x plus cos 2x, इसका ग्राफ देखिए। देखो ये sin x है, इसका टाइम पीरियड है 2 pi, इसका टाइम पीरियड pi होता है, जो भी टाइम पीरियड रहता है उसको जो भी मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो cos x का टाइम पीरियड है 2 pi, 2 से मल्टीप्लाई है, इसका टाइम पीरियड pi होगा। फिर 2 pi और pi का जब एलसीएम लेंगे तो 2 pi मिलेगा, तो ये फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक होगा, उसका टाइम पीरियड 2 pi। बाकी टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है कंबाइंड फंक्शंस के, ये अगले चैप्टर फंक्शन में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत सिंपल सा हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे sin x इसका टाइम पीरियड है 2 pi, cos x का टाइम पीरियड 2 pi होता है, लेकिन x को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड को उतने से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब आप 2 pi को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका टाइम पीरियड pi आएगा, और ओवरऑल जो होता है वो दोनों का एलसीएम, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई और इसका टाइम पीरियड पाई, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2 पाई। तो हम लोग इस ग्राफ को केवल और केवल एक टाइम इंटरवल में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये रिपीट करेगा, 0 से लेकर 2 पाई में ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर आपको वो सारे पॉइंट्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे जहां पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो रही है, जिनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो भाई डीवाई बाई डीएक्स फाइंड करते हैं। dy by dx फाइंड किया जाएगा तो आपको मिलेगा 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2x का माइनस sin 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। और आगे सॉल्व कर लेते इसको, 2 cos x यहां पर इसके फैक्टर कर लेते तो हो जाएगा 4, फार्मूला फैक्टर नहीं फार्मूलाइज कर लेते 4 sin x * cos x। फिर यहां पे हम लोग 2 cos x कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा 1 माइनस। फिर इसके बाद हम लोग एक्सट्रीमम के लिए dy by dx को 0 पुट करते हैं, dy by dx equal to 0। तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगी इक्वेशन, 2 cos x into 1 minus 2 sin x equal to 0। तो एक वैल्यू मिलेगी cos x equal to 0, तो cos x की वैल्यू 0
जीरो से टू पाई केवल दो पॉइंट मिलेंगे, जीरो से टू पाई कौन कौन से मिलेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा पाई बाई टू और एक पॉइंट मिल जाएगा आपको थ्री पाई बाई। उसके बाद वन माइनस टू साइन एक्स, इसको जीरो करिए तो यहां से एक्स की वैल्यू मिल रही है, साइन एक्स की वैल्यू मिल रही है वन बाई टू। साइन एक्स की वैल्यू जीरो से टू पाई में वन बाई टू जो होती है वो दो पॉइंट पर होती है, एक होती है पाई बाई सिक्स पर, दूसरी फाइव पाई बाई सिक्स पर। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी पाई बाई सिक्स एंड फाइव पाई बाई सिक्स। इसके बाद आप जो है इन पॉइंट्स को इसी ऑर्डर में पुट कर लो, मतलब जो सबसे छोटा पॉइंट है पाई बाई सिक्स सबसे छोटा है, उसके बाद पॉइंट होगा वो पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू के बाद आपको मिल जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स, उसके बाद आपको मिल जाएगा थ्री पाई बाई टू। इन पॉइंट्स को हमने एक के ऑर्डर में पुट कर लिया। इसके बाद आप किसी भी एक पॉइंट पर चेक कर लो कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो देखो जरा हमको सबसे इजी पॉइंट दिखाई दे रहा है पाई बाई टू, हम पाई बाई टू पे चेक करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दीजिएगा थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, जब पाई बाई टू से थोड़ी छोटी वैल्यू है उस समय आप जरा इसका साइन चेक करिए, टू कॉस एक्स इंटू वन माइनस टू साइन एक्स। देखो ध्यान से, पाई बाई टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पर जब आप साइन एक्स में एक्स को पाई बाई टू के अप्रोक्स पुट करोगे तो ये वैल्यू लगभग वन के इक्वल आएगी, जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू लगभग टू के इक्वल आएगी, तो ये टोटल वन में से जब टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी, निगेटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। dy by dx x equal to pi by 2 plus करेंगे, तो pi by 2 के राइट में जाओगे तब आप चेक करिए 2 cos x into 1 minus 2 sin x। देख सकते हो cos x यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि pi by 2 के राइट में सेकंड क्वाड्रेंट cos x नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो साइन चेंज आपको मिला dy by dx का साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां पर क्या मिल रहा होगा आपको, मिनिमम। तो बाकी पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है तो अल्टरनेट आता है, यानी यहां पर अगर मिनिमम है तो यहां पर मैक्सिमा रहा होगा, फिर यहां पे मैक्सिमम, फिर यहां पे मिनिमम। अब देखिए जरा हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आप जीरो पर वैल्यू कैलकुलेट करिए क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से करनी है। तो जीरो पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वाई जीरो, देखो जरा वाई जीरो, यहां पर एक्स को जीरो रखा गया, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, जीरो पर वैल्यू वन होगी। उसके बाद वो पॉइंट्स जो हैं पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई सिक्स, थ्री पाई बाई टू, उन सारे पॉइंट्स पर भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पाई बाई सिक्स पर आप वैल्यू जरा कैलकुलेट कर दी, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स पर आप देखो यहां पुट करो साइन पाई बाई सिक्स वन बाई टू, ये वैल्यू वन हो जाएगी। यहां पर आप जरा पाई बाई सिक्स को पुट करिए, पाई बाई सिक्स आप पुट करोगे तो टू से मल्टीप्लाई करके पाई बाई थ्री हो जाएगा, कास पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, सॉरी cos pi by 6 की वैल्यू 1 by 2 होती है। तो आप देखोगे यहां पे पुट किया गया था तो 1, यहां पे 1 by 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 by 2। फिर उसके बाद 5 pi by 6 पे कैलकुलेट करिए, 5 pi by 6 पे कैलकुलेट करोगे, यहां पे पुट करोगे sin pi by 6, sin pi, sorry sin 5 pi by 6 1 by 2, तो ये वैल्यू 1 हो गई। cos यहां पे पुट करोगे 5 pi by 6, तो cos कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3, cos यहां पे जब आप 2 पाई बाई 6 में पुट करेंगे x 2x में जब आप आ जाएगा 2 * 5 पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोगों को cos 5 पाई बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
cos 5 pi by 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 pi minus pi by 3, cos 2 pi minus theta कितना होता है, cos theta, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 5 by 3, cos 5 by 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by 2, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 plus 1 by 2, कितना मिल जाएगा 3 by 2। इसके बाद हम लोग कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, हम लोग 0 पे कैलकुलेट कर चुके हैं, पाई बाय 6 पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 पाई बाय 6 बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करें तो 2 sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू 2 हो गई, यहां पे पुट करेंगे cos 2 into पाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा cos पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 2 -1 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर उसके बाद आप 3 पाई बाय 2 पे कैलकुलेट करिए y 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये -2 हो गया, यहां पे पुट करोगे 2 into 3 पाई बाय 2 तो साइन 3 पाई, साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब इनको पुट करिए तो आप देखोगे 0 पर, 0 पर वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 0 के बाद पाई बाय 6 आएगा, पाई बाय 6 पर वैल्यू 3 बाय 2 हो रही है, पाई बाय 6 पर 3 बाय 2। उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 पर आप फिर से देख सकते हो कि वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो जा रही है, पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 सॉरी 5 पाई बाय 6 पाई पर वैल्यू देख लीजिए, cos पाई क्योंकि बीच में पाई पड़ेगा, पाई पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए y पाई, तो पाई पर आप देखोगे 2 sin 0 0 हो जाएगा, cos 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है 1, पाई पर वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट मार्क करते चलते हैं, ये पॉइंट हो गया पाई बाय 6, ये पॉइंट हो जाएगा आपका पाई बाय 2, हां चलिए देखिए हमने 0 पर देख लिया, पाई बाय 6 पर वैल्यू देख ली, पाई बाय 2 पर वैल्यू देख ली, इसके बाद हम लोग 5 पाई बाय 6 पर वैल्यू देखेंगे, 5 पाई बाय 6 मार्क कर देते हैं, पाई से थोड़ा सा पहले यहां कहीं पे 5 पाई बाय 6 होगा, 5 पाई बाय 6 पर आप फिर से देख रहे हो कि वैल्यू कितनी हो रही है 3 बाय 2, 3 बाय 2। फिर आप देखोगे पाई पर, पाई पर भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, पाई पर फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर कहीं पे 0 होगी वैल्यू, और 3 पाई बाय 2 पर आपने वैल्यू कैलकुलेट किया तो -3 आ गई, 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू -3 आएगी, लास्ट में आप 2 पाई पर वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 पाई, 2 पाई पर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे आप जब 2 पाई पुट करेंगे तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो cos 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2 पाई पर फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और फिर लास्ट में पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई पर फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो ग्राफ पर प्लॉट करो, यहां पे वैल्यू 1 हुई थी, यहां पे 3 बाय 2, फिर से यहां पे वैल्यू 1 हो रही है, फिर से यहां पे वैल्यू 3 बाय 2 हो रही है, फिर यहां पे वैल्यू 1 पाई पर, बहुत ज्यादा नीडेड नहीं फिर भी हमने दिखा दिया, फिर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -3 होगी, फिर उसके बाद 2 पाई, 2 पाई पर वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर 2 पाई पे ले जाके छोड़ देंगे, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये ग्राफ इस तरीके से काट देंगे, ये सारी वैल्यू इक्वल है, y इक्वल टू 3 बाय 2 लाइन को टच कर रही होंगी, ये वाली वैल्यू भी आप देख लोगे इक्वल है, ये y = 1 है। अब आप इसी रेंज देख सकते हो, तो मिनिमम वैल्यू देखो यहां पर आ रहा है, ये वैल्यू भी आपको कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू कितनी है -3, कितनी कैलकुलेट की गई -3। तो अगर रेंज कोई पूछ देगा तो रेंज भी आप बता सकते हो, देख सकते हो मिनिमम वैल्यू कितनी है -3, मैक्सिमम कितनी है 3 बाय 2, तो आपसे कोई अगर इस फंक्शन की रेंज पूछेगा तो इसकी रेंज हो जाएगी रेंज बिलोंग्स टू -3 टू 3 बाय 2। इस तरीके से
टू साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स अगर आप प्लॉट, नेक्स्ट ग्राफ y इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x, देखो ध्यान से, हम लोग यहां पर अगर x पर x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखिए जरा एक चीज ध्यान से, पहले इंफिनिटी के देखो, जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x प्लस 1 बाय x, x को इनफिनिटी पुट करोगे तो इनफिनिटी को वैल्यू टेंड कर जाएगी, जब x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी लो तो देखो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू माइनस इनफिनिटी को टेंड कर जाएगी x प्लस 1 बाय x। देखो जरा यहां पर एक चीज यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है, y माइनस x देखो 1 बाय x, तो जब आप x की वैल्यू 0 को टेंड कराओगे लिमिट सॉरी जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कराओगे तो एक चीज यहां पर और डिफरेंस देखो, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी तो y माइनस x जो है ये भी किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो यहां पर ये जो y इक्वल टू x लाइन होगी वो एक तरफ नया नाम है वो कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स का काम करेगी, x equal to infinity पर value infinity tend करेगी, इसमें कोई doubt नहीं, x equal to minus infinity पर value minus infinity को tend करेगी, लेकिन ये दोनों जब plus infinity को tend करेगी x equal to infinity पर या minus infinity को tend करेगी x equal to minus infinity पर, तब ये दोनों ही केस में graph y equal to x line को भी approach कर रहा होगा, यहाँ पर y equal to x जो है वो asymptotes की तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद आप zero पे चेक कर लो, जब हम जीरो पे चेक करना चाहेंगे तो वहां पे लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में आप देखोगे ध्यान से तो जीरो के राइट में ये वैल्यू जीरो के राइट में जीरो से थोड़ी सी बढ़ी पॉजिटिव और ये वैल्यू इंफिनिटी को, यानी ये वैल्यू कहां टेंड कर रही है इंफिनिटी, जब हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस लेंगे तब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू तो आपको कहां टेंड कर रही होगी जीरो को, जीरो थोड़ी सी छोटी, लेकिन ये वैल्यू माइनस इनफिनिटी को टेंड करेगी तो उस केस में इसकी लिमिट कहां टेंड करेगी माइनस इनफिनिटी। यहां पर एक एडवांटेज है, हम लोग एफ एक्स अगर एक्स प्लस 1 बाय एक्स लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स आएगा जो कि माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ये का सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तो हम लोगों को केवल जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ड्रॉ कर लेंगे, इसका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री लेंगे। आप देखो ध्यान से, हम लोग इसका मैक्सिमा और मिनिमा भी देखना पड़ेगा तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स देखना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने लिया तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको जब आप जीरो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। हम लोग प्लस 1 पे चेक कर लेते हैं कि क्या मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर देखो यहां सॉल्व करो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2 बाई एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया फिर सॉरी प्लस ऑफ 2 अपान एक्स क्यू, ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2, x पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2 x पावर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन x क्यूब, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर
जब आप x इक्वल टू वन पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम। चलो अब हम लोग इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। यहां पर एक नई चीज आपने देखा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो है यहां पर एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स मतलब ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन को कट नहीं कर सकता है। देख सकते हो कि जब x इंफिनिटी पुट करते हो तब जाके y माइनस x 0 हो रहा है, यानी ये दोनों इक्वल केवल तभी होंगे जब x कहां पे जाएगा, इंफिनिटी को। तो आप लोग पहले यहां पर एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन, देखो जीरो के राइट में आप देख सकते हो कि जीरो के राइट में ये वैल्यू कहां टेंड कर रही है, प्लस इंफिनिटी को, यानी जीरो के राइट में ग्राफ प्लस इंफिनिटी से आएगा। फिर x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पर मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू कहां पे x इक्वल टू वन पर कितनी है ये भी कैलकुलेट कर लो। तो जब आप y1 कैलकुलेट करोगे तो y1 है, इसको 1 पुट करने पर वैल्यू 2 आ रही है। तो आप लोगों को x इक्वल टू 1 पर मिनिमा मिलेगा, वो भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो ये ग्राफ इधर इंफिनिटी से आएगा, यहां पर ये 2 वैल्यू अटेन करेगा और फिर उसके बाद ये इंफिनिटी को अप्रोच करता हुआ चला जाएगा, ग्राफ इंफिनिटी को जाएगा और वहां पर जाकर y इक्वल टू x लाइन को कट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर ओरिजिन की अप्रोक्सीमेट्री होनी है तो बिल्कुल ये ग्राफ इधर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा, ये ग्राफ इधर माइनस इंफिनिटी से आएगा, ये माइनस वन पर माइनस टू वैल्यू अटेन करेगा और फिर ये इधर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू x प्लस वन बाई x का। आपसे कोई अगर इसकी रेंज पूछ ले, पहले तो डोमेन, डोमेन में आपने देखा था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो डोमेन जो हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर x अप 0। और रेंज आप देखिएगा, रेंज में देखो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू तक की सारी वैल्यूज अटेंड कर रहा है, फिर माइनस टू और प्लस टू के बीच में ग्राफ कहीं नहीं है और फिर टू से लेके इंफिनिटी तक, तो रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x प्लस 1 बाय x का। इसके बाद उसकी डोमेन, उसकी रेंज। यहां पर एक नई चीज आपको देखने को मिली है, एसिम्प्टोट्स। ये लाइन यहां पर क्या काम कर रही है, एसिम्प्टोट। ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा। कहां कट करेगा जाके, क्या यूज किया जाएगा, इंफिनिटी पे जाके कट या टच करेगा। नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू ln x माइनस, जैसा कि आपको क्लियर है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लॉग है तो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा। देखो आप यहां पर पहले 0 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0 पर आप देख सकते हो कि लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि 0 के राइट में ही केवल लिमिट कैलकुलेट की जा सकती है। 0 पुट करने पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे x को 0 पुट करोगे तो ln 0 कितना होता है, ln 0 प्लस, ये वैल्यू कहां टेंड करेगी, माइनस इंफिनिटी। और अगर आप लोग x में 0 पुट करोगे तो 1 बाई x, जब आप x 0 को टेंड करेगा तो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 1 बाई x कहां को टेंड कर रहा होगा बताइए, इंफिनिटी को। तो 1 बाई x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और ln x जो है वो कहां को टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी को। तो ओवरऑल ये वैल्यू कहां को टेंड करेगी, माइनस इंफिनिटी। देखिएगा
यहाँ पर ln x जो है कहाँ को टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और 1 बाई एक्स कहाँ को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, तो जीरो पर इसकी वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी माइनस इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी पे देख लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाई एक्स, आप यहां पर जब x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी और ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये लिमिट का एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो इसके लिए हम लोग LH रूल का यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी। LH रूल में करते क्या है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को अलग, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 by x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। न्यूमरेटर को आपने डिफरेंशिएट कर लिया लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप जब इसमें x को इनफिनिटी पुट करोगे तो देखोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मतलब जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी तो उस समय y की वैल्यू कहां को टेंड करेगी जीरो। इसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy by dx सॉल्व कर लिया जाए, तो dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको x ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस ln x को ऐसे लिख दिया जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 by x स्क्वायर, तो dy by dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस ln x बाई x स्क्वायर। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग dy by dx को क्या रख देंगे जीरो, dy by dx इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस ln x इक्वल टू जीरो, तो यहां सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी e, ln x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू e। अब आप e पर चेक कर लो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो देखो जरा dy by dx when x tends to e plus, मतलब e से थोड़ी सी बड़ी है, तब आप जरा इस 1 minus ln x by x square का साइन चेक करिए। जब यहां पर x की वैल्यू e से स्लाइटली बड़ी रखोगे तो ln x जो होगा 1 से स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगा, तो स्लाइटली ग्रेटर होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, e के राइट की वैल्यू नेगेटिव है। जरा e के लेफ्ट में चेक करो, e के लेफ्ट में चेक किया गया तो 1 माइनस ln x बाई x स्क्वायर इसका साइन देखिए, तो जब x की वैल्यू e से थोड़ी छोटी रखोगे तो ये टोटल वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस होगी, तो जब 1 में से सबट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ये वाली, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि dy by dx का जो साइन चेंज हुआ वो लेफ्ट से राइट देखते हैं हमेशा, तो क्या हुआ प्लस से चेंज हुआ है माइनस, प्लस से माइनस अगर चेंज हुआ है तो क्या होगा मैक्सिमा की मिनिमा, तो आप क्या मिलेगा यहां पर मैक्सिमा। आप चाहो तो e पर वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, y e कितना हो जाएगा ln e by e, सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by e। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं, देखो जैसा कि आपने देखा कि जीरो के राइट में, जीरो के राइट में ग्राफ कहां को ट्रेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आएगा। आप देख लो कि वन पर वैल्यू जीरो होती है, वाई वन जाओ देख लो वाई वन एलन वन वाई वन वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो ये ग्राफ जो होगा वो कहां से माइनस इंफिनिटी से आएगा, वन पर वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई पर मैक्सिमा मिलेगा उसकी वैल्यू वन बाई की होगी, ई पर वैल्यू वन बाई की होगी, और फिर जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू कहां को टेंड कर रही है जीरो को टेंड कर रही है। देखो ये लिमिट सॉल्व की गई ना, x की वैल्यू जब इंफिनिटी को टेंड की तो देखो वैल्यू क्या आ रही है जीरो, तो ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से आएगा, इधर माइनस इंफिनिटी से आएगा, वन पर इसकी वैल्यू जीरो होगी, ई पर इसकी वैल्यू वन बाई की होगी, और उसके बाद फिर ये ग्राफ इंफिनिटी पर जीरो को अप्रोच करेगा। इस पॉइंट को अगर आप मार्क करना चाहें तो मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा ई, ये पॉइंट हो जाएगा वन, और ई पर ये जो वैल्यू मिल रही होगी क्या मिल जाएगी वन अपॉन ई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ई कॉमा वन बाई ई। जैसा कि आप डोमेन पहले लिख चुके हो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तब डोमेन क्या होगी जीरो टू इंफिनिटी। आपसे कोई अगर इस फंक्शन की रेंज पूछ देगा तो आप देख सकते हो कि ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम कहां तक गया है वन बाई ई तक,
तो इसकी जो रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू वन अपॉन ई। वन अपॉन ई वैल्यू अटेन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। किस पॉइंट पर हो रही है? ई पर। तो माइनस इंफिनिटी पर ओपन, वन अपॉन ई पर क्लोज। इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया वाई इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स। ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पहले इन पर कैलकुलेट कर लो। तो देखो जब हम लोग x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y जीरो, y जीरो की वैल्यू x को जीरो रखने पर y जीरो की वैल्यू टू। जब इंफिनिटी तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू इन्फिनिटी यानी ओवरऑल वैल्यू जीरो। जब माइनस इन्फिनिटी किया जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देख सकते हो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को माइनस इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी यानी ओवरऑल वैल्यू जीरो। फिर वही मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy / dx फाइंड करेंगे। तो dy / dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो dy / dx की वैल्यू जो मिल रही है हमको वो मिल रही है माइनस ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर आप लोग dy / dx को जीरो पुट कर दीजिए मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। dy / dx जीरो पुट किया गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। साइन चेंज देख लो, जब हम लोग x की वैल्यू जीरो के लेफ्ट में रखेंगे तो जीरो के लेफ्ट में रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है। उस समय dy / dx का जो साइन है वो कैसा है? पॉजिटिव। जब हम लोग x की वैल्यू जीरो के राइट में रख लेंगे जीरो प्लस, तो जीरो के राइट में रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव, बाहर माइनस साइन हो चुका है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। dy / dx क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ इसका मतलब यहां पर x = 0 पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो देखो अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने भर की जरूरत की चीजें हमको मिल चुकी हैं। ये समझ में आ गया है कि जीरो पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी है, टू होनी है, प्लस इंफिनिटी पर भी ये वैल्यू कहां पर अप्रोच करेगा? जीरो पर अप्रोच करेगा। माइनस इंफिनिटी पर भी ये जीरो पर अप्रोच करेगा। ये ग्राफ को हम लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे। कुछ ऐसे लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो आपको ऐसा भी समझ में आएगा कि ये ग्राफ कुछ देर तक ऐसे रहा होगा उसके बाद फिर ऐसे हो गया। कहने का मतलब कुछ देर तक कॉनकेव डाउनवर्ड रहा होगा और कुछ देर तक कॉनकेव अपवर्ड। तो कहां से कहां तक कॉनकेव डाउनवर्ड है और कहां से कहां तक कॉनकेव अपवर्ड है ये भी अगर आप पता करना चाहो तो ये भी पता कर सकते हो। उसके लिए आप d2y / dx स्क्वायर सॉल्व करो। d2y / dx स्क्वायर हमारी जरूरत पर का ग्राफ प्लॉट हो गया है, लेकिन फिर भी हम अगर उस पॉइंट को मार्क करना चाहें कि कहां से ग्राफ ने अपना नेचर चेंज किया होगा तो उस पॉइंट को हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। d2y / dx स्क्वायर सॉल्व करिए। d2y / dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, माइनस तो पहले से ही हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को ऐसे ही रख दिया गया, 4 को भी अलग कर लेते हैं और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस
एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का डिफरेंस ये था, ये 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंसिएशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी पावर 4 हो गया। अब इस पूरे में आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे में कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिएगा 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4। तो देख सकते हो यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4। माइनस कॉमन ले लो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4। यहां पर आप देख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो साइन होगा वो केवल इस पर डिपेंडेंट होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 को आप जीरो करोगे तो x की दो वैल्यू जाएंगी 1 बाई रूट 3 एंड माइनस 1 अपॉन। इसका मतलब ये पॉइंट होगा एक 1 बाई रूट 3 और एक ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3 जहां पर ये ग्राफ अपने कर्वेचर को चेंज करेगा। देखो जब आप x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 तक रखोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड, तो देखो यहां दिखाई दे रहा है कॉनकेव डाउनवर्ड, फिर जब आप 1 बाई रूट 3 से बड़ी वैल्यू या माइनस 1 अपॉन रूट 3 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसके बाद एक ग्राफ क्या हो जाएगा कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड यहां पर भी ग्राफ क्या हो जाएगा कॉनकेव अपवर्ड। एरिया वगैरह में आपको अगर यूज करना होगा तो इतना शो करने की नीड होती नहीं है, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यह चीज एकदम ठीक से क्लियर होनी चाहिए कि कहीं पर भी अगर ये जरूरत पड़ जाए कि ग्राफ में कहां कॉनकेव अपवर्ड है कहां पे कॉनकेव डाउनवर्ड है तो फिर आप वहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की हेल्प ले लोगे और उसकी हेल्प से आप बता दोगे कि जहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जैसे यहां पर आपने देखा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, कब, जब x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 3 मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 3 से छोटी है या फिर 1 बाई रूट 3 से बड़ी है यानी 1 बाई रूट 3 टू इंफिनिटी, और d2y बाई dx स्क्वायर आपको लेस देन जीरो मिला, कब लेस देन जीरो मिला, जब x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 से लेके 1 अपॉन रूट 3 के बीच में आई जाए, तो आप बता पाए कि माइनस 1 अपॉन रूट 3 से पहले तक ग्राफ का नेचर कॉनकेव अपवर्ड था फिर कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, जीरो से लेके 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 तक कॉनकेव डाउनवर्ड ही रहा और फिर 1 बाई रूट 3 के बाद फिर से क्या हो जाएगा कॉनकेव अपवर्ड। तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये सारी चीजें बता दी कहां कॉनकेव अपवर्ड होगा कहां पे कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, एरिया वगैरह में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी या कहीं पर इस ग्राफ का यूज करना पड़ेगा तो इसका बहुत रोल नहीं रह जाता है, फिर भी अगर आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़े जहां पर ये चीज पूछी गई हो या आपको नीट पड़ रही हो तो आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और ग्राफ y equal to x plus sin x, देखो यहां पर क्या है कि एक ऐसा फंक्शन यूज हुआ है जिसकी रेंज आप लोग जानते हैं, इसको देखो कैसे प्लॉट करोगे, आप बोलोगे जो sin x है ये माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है, तो जो x plus sin x होगा
ये x माइनस वन से लेके x प्लस वन के बीच में लाई करेगा। आपसे कोई पूछेगा कि कब ये x प्लस वन या x माइनस वन को टच करेगा, तो आप बोलोगे जब sin x की वैल्यू 1 होगी तब ये x प्लस वन को टच करेगा, जब sin x की वैल्यू माइनस वन होगी तब ये x माइनस वन लाइन को टच करेगा। इसका मतलब जब x की वैल्यू पाई बाई टू 9π/2 तो उस समय ये x प्लस वन लाइन को टच कर रहा होगा इस लाइन से। अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू 3π/2 7π/2 होंगी तो उस समय ये x माइनस वन लाइन को टच करेगा। तो इसको देखो कैसे प्लॉट करेंगे। एक लाइन y इक्वल टू x ड्रॉ कर, इस लाइन को ग्राफ कब कट करेगा, जब x की वैल्यू सॉरी जब sin x की वैल्यू 0 होगी। sin x की वैल्यू 0 होने का मतलब जब x की वैल्यू n पाई होगी। एक लाइन आप ड्रॉ कर लो y इक्वल टू x प्लस 1, इसके पैरेलल ये लाइन, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू x। और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस, देखो 0 पर वैल्यू 0 होगी, फिर पाई बाई टू पर ये पॉइंट आपका पाई बाई टू मिलेगा, पाई बाई टू पर ये y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन को टच करेगा, फिर ये पॉइंट पाई पाई पर 0 को कट करेगा, फिर इसको टच करेगा इस तरीके से। सिमिलरली इधर ये इसको टच करेगा, कट करेगा, फिर इधर चला जाएगा, इसको टच करेगा इस तरीके से। ये जहां पे टच करेगा पॉइंट क्या होगा आपका माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू x प्लस साइन x का, जो कि y इक्वल टू x प्लस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन के बीच में ड्रॉ होगा। एक और ग्राफ देखिए आप लोग, y इक्वल टू x इंटू साइन x, इसको भी पिछले की तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले आप जानते हो साइन x नोन फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है माइनस वन से वन में होती है, तो x इंटू साइन x जो होगा ये माइनस x से लेके x के बीच में ड्रॉ होगा, यानी y इक्वल टू माइनस x और y इक्वल टू x लाइन के बीच में ड्रॉ होगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब इसकी वैल्यू x होनी है यानी x sin x x के इक्वल हो, तो कब होगा जब sin x की वैल्यू 1 होगी। तो sin x की वैल्यू जब 1 कब होती है, उसके लिए x जो होगा वो 4n plus 1 pi by 2 के फॉर्म का, यानी pi by 2, 5pi by 2, 9pi by 2, ये सारे पॉइंट। दूसरा, इसकी वैल्यू माइनस माइनस x कब होगी, जब sin x माइनस 1 होगा। sin x माइनस 1 कब होता है, जब ये 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू के फॉर्म का होता है, यानी x की जो वैल्यू हो सकती है वो माइनस पाई बाई टू, 3पाई बाई टू, 7पाई बाई टू, ये सारी वैल्यूज। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब sin x 0 हो जाएगा। sin x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है n पाई, तो पाई माइनस पाई, पाई 2 पाई, ये सारी वैल्यू। देखो कैसे ड्रॉ होगा। पहले हम लोग y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जैसा देख रहे हो कि 0 पर वैल्यू 0 होगी, फिर ये ग्राफ इसको टच करेगा जाके कहां पे, पाई बाई टू पे, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे टच करेगा, पाई का वैल्यू 0 होगी, फिर ये फिर टच करेगा, फिर इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा। ये पॉइंट पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2,
जैसे इधर ड्रा होगा सिग्नल इधर जा होगा, ये माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, ये पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, ये माइनस टू पाई। इस तरीके से आपका एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा y इक्वल टू x इंटू साइन x का। y इक्वल टू e पावर x इंटू साइन x का, इसमें भी आप देख सकते हो e पावर x इंटू साइन x जो होगा वो e पावर x एंड माइनस ऑफ e पावर x इन दोनों के बीच में ड्रॉप होगा। जब साइन x जब x इक्वल टू n पाई होगा तब इसकी वैल्यू जीरो होगी, जब x की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी तब e पावर x को टच करेगा, जब x की वैल्यू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 होगी तो उस समय माइनस आप e पावर x को टच करेगा। एक ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया e पावर x का, माइनस आप e पावर x कैसे प्लॉट होगा, रिफ्लेक्शन लेंगे x एक्सिस के अबाउट, ये ग्राफ हो जाएगा माइनस हाफ ई पावर एक्स का। अब देखो जीरो पर वैल्यू जीरो होगी, फिर इस तरीके से ये वाला ग्राफ का पोर्शन नहीं, क्यों ध्यान रखना ये ग्राफ के पोर्शन नहीं है, क्यों ये ये जो हम जिसको डार्क कर रहे हैं ये ग्राफ हो जाएगा पॉइंट मार्क पर तो जीरो, ये पाई बाई टू, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट थ्री पाई बाई टू, ये पॉइंट टू पाई, ये पॉइंट फाइव पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ये ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स का।